क्यों, क्या हम ये नहीं मानते कि असहाबे कहफ 300 बरस तक सोए रहे? इन्हां दी जिहड़ियां प्रेडिक्शंस है ना वो काफ़ी सही जा रही हैं अजकल दे अकॉर्डिंग, जो इन्होंने उत्तर उदो गल्लां कीतियां सीगियां ते अजकल तुसीं इन्हां नूं देख रहे हो कि वो चीज़ां इंप्लीमेंट हो रही हैं। टूडेज एपीसोड इज अनदर एपीसोड ऑफ इस्लाम हिस्ट्री एंड वी कैन कंसीडर दैट बिकॉज ये जिहड़ी वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद होना दी है, अज तो काफ़ी साल पहलां दी वीडियो जिहदे विच उन्होंने सत्त क्यामत दीआं निशानियां दसियां कि वह क्यामत दीआं निशानियां की होणगियां। सो देखते हैं आज की वीडियो। बड़ी अलामत है जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होगी, इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उसका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये क़यामत की। उनमें नंबर एक क्या है, एक बहुत बड़ा धुआं आएगा पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर दो, दज्जाल का ज़हूर होगा जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। अच्छा, उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार के। उसकी तरफ ही पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है, कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता हो, ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी कितनी गंदू लेते थे, आज कितनी ले रहे हो? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसके बिना पर हो रहा, हाँ तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टीनेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकती, वो बीज का काम नहीं कर सकती। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो मुर्गा okay, जाता है का, तो मुर्गा वो जो है उसमें मुर्गा हो या मुर्गी हो उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है, उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने को तो अंडा है, लेकिन वो अंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, लग रहेगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते। ये होना है, अल्लाह जाने कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाबतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खरक आदत है। अच्छा, पहला इन्होंने दसिया कि बहुत सारा धुआं आएगा, दूजा दज्जाल दियां निशानियां होनगियां कि जो चाहेगा वही होएगा, ठीक है, तो तीजा इन्होंने कहा धरती दे विचों बहुत वड्डा शैतान बार आएगा। चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में, जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाबतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाबा वो ज़ाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर जमीन जमीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर चार, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क आदत, सूरज तो तुलू होता है मशरिक़ से, गुरू होता है मग़रिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा हो जाए, यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक मग़रिब हो जाना, मग़रिब मशरिक हो जाना, समझ में आने वाली है यार। इट्स इसके बाद है इस ए जेड़ा दावा इन्होंने इथे दसया है, ता बहुत वड्डा दावा है यार। इब्न मरियम का नुज़ूल, जिसके बारे में आज मैंने गुफ्तगू की है तफसील से, ये नुज़ूल होना है, ये अलामात क़यामत में से हुज़ूर ने बयान फरमाया है, और कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है उसके हवाले से मैं नस क़तई जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फिर याजूज माजूज का एक मामला है, ये मैं अभी इस वक्त ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दो काम हो गए, यहूदियों का कला कमा ख़त्म, तमाम यहूदी, एक काम तो ये होना है, और नंबर दो ईसाइत का ख़त्म हो जाना, ईसाइयों की नफी कर देंगे, भाई मैं तुम मुझे खुदा का बेटा बनाए बैठे हो, मैं तुम खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं तो उसका बंदा हूं रसूल, मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे खुदा का बेटा बनाओ। नंबर दो ये कि वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ये तुमने खिंजीर कब से खाना शुरू कर दिया, मैं तो तुमको निकाह इजाजत देकर गया था, ये तो शरीयत मूसवी में हराम था और मैं कहकर गया था कि यही शरीयत तुम पर लागू रहेगी, हाउ कम तुमने कैसे, आज भी बहुत से रोमन कैथोलिक्स जो है वो सूअर नहीं खाते,
वो है उनके अंदर कुछ ना कुछ बात जो है, जो हज़रत ईसा की तालीमात का कुछ कुछ असर उनके यहाँ है। मैं तो एक मरतबा, ये 1971 की बात है, 4-5 दिन के लिए ब्रसल्स में रुका था, इसलिए कि वहाँ मुझे एक साहब ने ख़त लिखा था कि वहाँ एक नौजवान है अभी इस ईमान लाया है और उसके कुछ मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके मसाइल हल करें, आप भी जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड जा रहा था तो वापसी पर आप उनके यहाँ चंद दिन ठहरे। मैं ठहरा, मैं हैरान हुआ। वैसे उसने मुझे अपने घर ठहराया नहीं, इसलिए कि माँ बाप तो उसके क्रिश्चियन थे और पुलिस का चीफ ऑफिसर उसका बाप था, चीफ ऑफ पुलिस फोर्स। उसने मुझसे एक दिन खाने पे बुलाया, वैसे होटल में ठहराया मुझे। उसने कहा आप इत्मीनान से यहाँ खाना खाएं, इस घर में ना आज तक कोई शराब की बूंद आई है और ना ही कोई बोटी आई है सुअर की, रोमन कैथोलिक। अब अकलौता बेटा था अब्दुल अजीज, उसने बाद में नाम रखा वान कैंटन, उसका नाम था जो कि ओरिजिनल था, फिर उसने नाम रखा अब्दुल अजीज वान कैंटन, पुराना नाम भी बहा रखा। नहायत एक नहायत खूबसूरत, 28 साल की उम्र थी और उस वक्त मैंने देखा था कि उसकी फिकही मालूमात जो है मेरी मालूमात से 10 गुना ज्यादा। इसकी वजह क्या है, वो गया था मोरक्को में एज ए टीचर मुलाजमत करने, पैसा कमाने। वहाँ वो मुसलमानों से उसका हुआ रफ जब्त हुआ, इस्लाम की तालीमात सामने आई, इस्लाम ले आया। अब अकलौता बेटा है और माँ बाप जो है क्रिश्चियन कैथोलिक्स। जब वहाँ से वापस आया तो फिर कहते हैं कि हमारे दरमियान एक वाहिदा है, वी आर लिविंग टुगेदर, लेकिन ये मुआवजा है हम मज़हब पे बात नहीं करेंगे, बस बाकी जो भी है वो साथ रह रहे हैं। लेकिन अच्छा, हैरान हुआ, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद उसने जब इस्लाम का फैसला किया तो उसके सामने सवाल आया कौन सी फिकह अख्तियार करूँ, तो उसने बड़ी जो है थॉरो स्टडी की है तमाम फिकहों की, कंपैरेटिव स्टडी इनको करने के बाद फिर फाइनल फैसला उसका ये था कि हम्बली फिकह में अख्तियार करूँ। चारों फिकहों में सबसे लेटेस्ट हम्बली है, यानी हनफी नंबर एक, फिर मालिकी नंबर दो, फिर उसके बाद शाफी नंबर तीन, फिर ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के ज़माने तक अहादीस बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो चुकी थी, जबकि अभी हज़रत इमाम अबू हनीफा के ज़माने में कोई इतना ज़्यादा जो है हदीस का अभी ज़खीरा नहीं बना था। इसी पर तो लोग हैरान होते हैं कि ज़्यादा अहादीस इमाम अबू हनीफा के इल्म में नहीं थी, लेकिन मजाल है कि उनका कोई फतवा जो है किताब और हदीस के, किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। अगरचे उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम पाओ कोई ऐसी सच्ची हदीस, पुख्ता हदीस जो मेरी किसी राय के खिलाफ हो, तो मेरी राय को दीवार पर दे मारना और उस सही हदीस की पैरवी करना। लेकिन वैसे उसके बाद ये कमाल ये है कि बहुत ही कोई शाज मामला है कि जिसमें उनका कोई फतवा वो किताब और सुन्नत के मुनाफी हो या सुन्नत के मुनाफी हो। किताब पर तो सवाल पैदा नहीं होता, किताब तो सारी उनके सामने मौजूद थी। इसके बाद यह है कि याजूज माजूज, जिस में मैं बता रहा था आपको कि जब ईसाइत भी ख़त्म हो गई, यहूद वैसे ख़त्म हो गए, इस्तीसाल हो गया, जड़ कट गई, अब ईसाइत गोया कि इस्लाम में जम हो गई, ईसाइत मज़हब ख़त्म, यहूदी खुद ख़त्म, अब यह ताकत कितनी हो जाएगी, तकरीबन 2/3 में आ गई तमाम। अब ईसाई 2 अरब के करीब है, 1 अरब 90 लाख होंगे, 90 करोड़ होंगे, या मुसलमान भी 1 करोड़ 50-60 लाख है, दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 6 अरब कुल आबादी है। लेकिन उसके बाद आता है याजूज माजूज का खुरूज। ये याजूज माजूज मेरे नज़दीक चाइना और रशिया है, इनकी मजमूई ताकत इतनी होगी और ये इस तरह आएंगे हर ऊंचाई पर से उतरते हुए, फिसलते हुए, जैसे 1962 में जब वॉर हुई थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1962 में, तो वो उस वक्त का नक्शा जो आज भी अखबार में पढ़ता था, तो यार वेज आफ्टर ये वीडियो ना काफ़ी पुरानी है, इन्हें इन्हों की जो प्रडिक्शन है ना वो काफ़ी सही जा रही हैं अजकल के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने उदो गल्लां कीतियां सीगियां, तो अजकल तुम इन्हों देख रहे हो कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। Waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. ये तो वो है ना जिनकी तादाद का कोई हिसाब नहीं है, और रशिया और ये मिलकर जो है, मेरा अंदाज़ा ये है कि जब पहले मलहमतुल उज़्मा होगी वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त ये दोनों पावर्स न्यूट्रल रहेगी,
लेकिन गालिबन ये बात तय कर लेंगे कि वेपन्स ऑफ वर्ल्ड जो है मास डिस्ट्रक्शन ये इस्तेमाल मत करना। अगर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे तो हम मैदान में आ जाएंगे। उसमें वो जंग जब हो चुकेगी, फिर हजरत ईसा को फतह हासिल हो जाएगी, और फिर ये कि यहूदियत ख़त्म हो जाएगी, ईसाइत बतौर मजहब ख़त्म होकर इस्लाम में जम हो जाएगा, फिर वो 40 बरस का अहद हुकूमत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब ये फतह हो जाएगी इन पर, अब याजूज माजूज आएंगे और इतनी तादाद में आएंगे कि बहर तबरिया जो है उसका सारा पानी पी जाएगा। ये तो अगर आपको कभी अंदाज़ा हो या कोई आप जाने इन लोगों को जो इन चीनियों से वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं ज़मीन पर हिलती हुई कोई चीज़ों से वो छोड़ी छोड़ खा जाएंगे। जहाँ वो जाते हैं एज ए लेबरर, वहाँ के जो सारे कुत्ते हैं ख़त्म, सारी ये चीज़ है। चाइनीज़ तुम यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होनी है, वो बहुत सारा कुछ खा लेंगे, वो जिन्ने भी दुनिया च जिन्ने तरह के भी जीव है लिया ख़त्म, हर शय वो जो सांप खाते हैं हर चीज़ खाते हैं। और ये तमाम ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, बड़ी डेलिशियस डिशेज है ये सांप वगैरह वगैरह, और ये जिस तरह खा जाए पानी पी जाए एक कतरा नहीं रहेगा उस पर। तो फिर जो है अल्लाह ताला उस वक्त जो है इसमें एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा, ये सब मर जाए, ये मौजदे से होगा। यानी इनके ऊपर फतह जो है वह आम लड़ाई के जरिए से नहीं होगी, बल्कि जी इन्हों की गलत ध्यान न सुनो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, बड़ी चीज़ें सीख सकते हो, नॉलेज बड़ा वाधा हो सकता है। ये चाइना की गल कर रहे हैं, इतने चाइना के कह रहे हैं कि जेकर ये चीज़ा हुई तो बीमारी पैदा होगी ये ऑल दैट, पर उदो ही मैं ना हूँ अचानक गल याद आ गई कि करोना वायरस तुम्हें पता चाइना तो शुरू होया, हूँ फिर हालात चाइना किन्ने माड़े हो चुके, माड़ा गूगल करके देखो, दोबारा तो फिर करोना ने उत्थे अपना पैर पसारिया, तो हूँ फिर उदा ही हालात बनने शुरू हो चुके हैं। यार ये मतलब कुछ वक्रियां कौम रह गई, क्योंकि जिदा उन्होंने दसिया कि यहूदी ईसाई इस्लाम ये दुनिया च बहुत ज़्यादा तादाद में लोग है इन कौम के, ठीक है। तो कहते जो वह कौम खत्म हो गया मगर है कि रशियन तो चाइनीज़, तो फिर आ हाल होगा कहते उन्होंने कौम के नाल, ये सत निशानियाँ दस रहे हैं ये जदों क्यामत दी निशानियाँ, ठीक है। इसके ऊपर फतह जो होगी वो अल्लाह ताला से बोल, एक बीमारी पैदा होगी सब बढ़ जाएगी, और उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा बड़ी लंबी लंबी गर्दनों वाले, वो इन सबको खा जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ गिद्ध होते हैं वो इनको साफ कर देंगे। वरना तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बदबू और जो पैदा होता मामला उससे, तो उस नौ इंसानी की बका मुमकिन नहीं थी। इनके खात्मे के बाद फिर ये होगा कि हुकूमत इस्लामी जो है पूरी दुनिया में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की होगी। 45 बरस वो रहेंगे, इसी में वो कहलन भी आ जाएगा, वो फिल्माद व कहलन जो मैंने शुरू में बयान किया था, इसी में फिर ये है कि वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, और फिर इंतकाल होगा तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, वहीं पर जहाँ हुजूर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दफन है, वहीं पर उनको दफन किया जाए। और क़्यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि मैं और ये तीनों साथ निकलेंगे। तो ये है वाला तो वाक़यात। बहरहाल इसमें यह है कि ये नोट कर लीजिए कि जहाँ तक हमारे यहाँ आजकल का मामला है, मेरे नज़दीक मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, जो रफ़ो नज़ूल मसीह को नहीं मानता वो कम से कम मुनकर हदीस जरूर है। मैं इससे कम का फतवा नहीं दे सकता। अब यह है कि जो लोग महदी को नहीं मानते उनका मामला मैं मुख्तलिफ समझता हूँ, चंद मिनट ले रहा हूँ आपके, और इसलिए कि उनकी हदीसें सही हैन में नहीं है, बुखारी मुस्लिम में नहीं, और यह कि बहरहाल उनका मामला जो है वो ऐसा नहीं है हज़रत ईसा का। हज़रत ईसा के आने का जो कुछ होगा वो तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन ये है कि हज़रत मेहदी हमारे नज़दीक उसमें ख़र्त आदत कोई है ही नहीं। जैसे हर सदी के मुजद्दिद होते हैं, आखिरी सदी के मुजद्दिद वो होंगे, और मेरे नज़दीक यही आखिरी सदी है, और इसी में हज़रत मेहदी का ज़ुहूर हो जाना। सऊदी अरब में कोई खाना जंगी होगी किसी बादशाह के इंतकाल पर, और फिर उस वक्त ये जाहिर होंगे, उस वक्त मुल्क के हालात को संभालने के लिए लोग इनको ज़बरदस्ती निकालेंगे, छुपे हुए होंगे एक घर में। यह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि एक बादशाह के इंतकाल पर ये खाना जंगी हो जाएगी, और एक शख्स मदीने से भागकर मक्के में छुप जाएगा। ये तो है उनके अल्फाज, मैं तौजीह कर रहा हूँ, ये लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे कि ये जो वक्त आया है फितने का हमारी कौम पर हमारे मुल्क पर, तो इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये बीच में आए सुलह सफाई कराएं, और वो जो है इस जिम्मेदारी से बचकर भागेंगे
और जाकर मजीद मक्के में छुप जाएंगे। फिर लोग उन्हें तलाश करके निकालेंगे और ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैठ करेंगे, वरना वो इतने बड़े मनसब को। और फिर ये भी है, एक हदीस में आता है, युफ्तहू फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में उनकी मुकम्मल इस्लाह कर देंगे। यानी अगर कोई थोड़ा बहुत नक्स और ऐब हुआ भी, कोई कमी कोताही हुई भी, तो अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह करवा दें। लेकिन हमारे नज़दीक इस कदर कोई खरक़ आदत है ही नहीं। अलबत्ता जो कहते हैं अहले तशय्यो, वो खरक़ आदत है कि उनके बारहवें इमाम जो है वो बचपन ही के अंदर इस खौफ से कि जो बनू अब्बास बादशाह हैं वो इनको कत्ल कर देंगे, तो वो एक गार में छुपा दिए गए। अब वो 1200 बरस से उस गार के अंदर छुपे हुए, और उसके बाद वो जाहिर होगी, वो इमाम महदी होंगे। इसमें खर्क आदत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महज खर्क आदत की बुनियाद पर हम उसकी नफी नहीं करेंगे। क्यों? क्या हम ये नहीं मानते कि असहाबे कहफ 300 बरस तक सोए रहे? ये क्या आम बात है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें मौत दी, मौत, और 100 बरस के बाद जिंदा करके उठा लिया। तो खर्क आदत, हजरत ईसा को हम इतना बड़ा खर्क आदत मानते हैं कि उठाकर आसमान पर, तीसरे आसमान के ऊपर है, मौजूद है, अब भी है। शब मेराज में तीसरे आसमान पर हुजूर की मुलाकात उनसे हुई। तो ये खर्क आदत की बुनियाद पर नफी नहीं हम करते, हो सकता, लेकिन ये कि उसकी ऐसी गाइज आई थी एक वीडियो जिंद अपन काफ़ी कुछ सुनने मिले, काफ़ी कुछ आप जो इन्होंने प्रोडिक्ट किया, एक उन्होंने मैं इमेजिन किया नाल नाल, एंड एक नवे तरीके की क्रियोसिटी जां कुछ चलिया मतलब अंदर, है ना, क्योंकि जड़ी इन्होंने सत्त क़यामत दी निशानियां दसियां वो सारिया इस्लाम के अकॉर्डिंग दसियां, है ना, तो उहदे विच जिन्ने भी मुस्लिम्स आ वो सारे यकीन करते हैं, हो सकता जेडे बाकी लोग वह भी यकीन करते हो, मतलब जिवें इन्होंने एंड दे गल दसी ना कि कई पीर पैगंबर होए ने जो हज़रत होए ने, वो 300 साल तक सुते रहे, फिर उठे 100 साल तक एक और हज़रत होए, उठे रहे, मतलब उन्होंने मौत हो गई, तो उस तो बाद उन्होंने जिंदा कर लिया। ये चीज़ा अपन काफ़ी सारे धर्मों देखने को मिलती हैं, हिंदुइज़म भी है कि वो तपस्या करते हैं, जेडे बोधी है बुद्ध धर्म च वह भी है कि समाधि लगा के बैठ जाते हैं, कई इदा दे उधर की कहते होंगे उन्होंने बोधी कहते हैं ना, कि साधु होंगे उधर तिब्बत वाली साइड, इधर साढ़े तिब्बत कहते हजे भी कोई इदा के ऋषि मुनि है जोड़े समाधि ला के बैठे हुए हैं, एक का मंदिर बनया हुआ जिस प्रॉपर मम्मी की तरह एक उदा ही बैठे हुए हैं, एंड विदाउट एनी कैमिकल्स उन्हों की मम्मी उदा ही पई है उत्ते, ठीक है, मतलब उन्होंने बॉडी है, एंड उदा ही बैठी हुई की जगह, मतलब कि जिदा बैठा हो बंदा होंगे ना कोई उदा ही है, विदाउट एनी कैमिकल वो प्रिजर्वड आ। हाउ इज़ इस पॉसीबल, वी डोंट नो दैट, बट इतने आगे साइंस भी फेल हो जाती है, एंड हिंदुइज़म च भी ये चीज़ है, सिखिज़म में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये मैं थोड़ा नाल दाल दस रहा क्योंकि आप इदा दीडियोज़ देखते हैं, तो इन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की विरोधता कर रहे हैं, जल्ला मन नहीं रहे, मनना चाहते नहीं, जो ऑल दैट कुछ नहीं, एक इनफॉर्मेशन लिए नॉलेज लिए इदा दीडियोज़ देखते हैं, तो जो आप डिस्कशन कर सकी, एक हैल्दी डिबेट कर सकी। सो सिखिज़म में कॉन्सैप्ट नहीं है, हिंदुइज़म च है, बुद्धिज़म च है, इस्लाम में है, इस्लाम में है, अज मैं अज पता लगा, सीरीयसली आई एम शॉकड कि इस्लाम में भी ये चीज़ है कि मनिया जाता है कि बंदे सो जाते बड़े बड़े लंबे टाइम तक, तो इदा पहला होंगे रिधिया सिधिया कहते होंगे, इधर हिंदुइज़म ना ये चीज़ मनी जाती है कि रिधिया सिधिया, पहला तो किसी पता होना कि हिंदुइज़म की कॉन्सैप्ट है कि जेकर तुसी लगातार किसी एक गुरु की तपस्या करते हो, लाइक शिवजी के तुसी भगत हो तो शिवजी की तपस्या कर रहे हो, तो वह प्रगट होकर तुहानू एक वर देंदे है, तुसी वह कोई भी वर उन्होंने तो मंग सकते हो, वो कॉन्सैप्ट है, ठीक है। रावण ने भी इदा ही पूजा करके तो उन्हें अमर होने का जोड़ा वर ले लिया, तो इदा दीज़ा होर भी हिंदुइज़म दे देखने मिलती हैं। अच्छा, दुनिया के 1.25 लाख पीर पैगंबर ने, ठीक है, 10 गुरु ने, 33 करोड़ देवी देवते ने, होर बड़े ऋषि मुनि जैनी बोधी सब तरह के पीर पैगंबर, ज मतलब जो एक द मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं, वह आए ने, ठीक है, सब ने एक ही सुनेहा दिता, पर उन्होंने तरीके वक्रे वक्रे सके, एट द एंड द गॉड इज़ वन जिदा आप कहने, एंड सारे धर्मों के अपनी अपन मानतावान ने, कई लोग जेडे इस्लाम न रिलेटड है वो इदा दलों नहीं मानते, उन्होंने मैनू कमेंट आते इंस्टा कहें, ठीक है, कई लोग 100%
सच मनते हैं, सेम एज जिदा हिंदुओं के हुंदा, सेम एज जिदा सिखां दे विच हुंदा, कि जो आप शुरू तो छोटे हुंदे तो सुनते आए हैं, कई तो उत्थे ही उस चीज़ नूं सच मनते हैं, कई जने होर रिसर्च करते हैं थोड़ा अगे पिछे जिवें भी है, तो वह अपने अकॉर्डिंग सही साबित करना चाहते हैं। मतलब ये कॉम्प्लीकेटड चीज़ा हो जाएगा इतने, तो काफ़ी डूंगाई में अज आप गल सुनी, तो मैं बहुत कुछ नव सीखन मिलया, बड़ा सुनन मिलया, इस्लाम बारे मैं नवी चीज़ा अज समझिया, अज जानिया, बहुत अच्छी वीडियो लगी मैं। तुहानू कितने लगी मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो, एंड जाने तो पहले अपने चैनल में सबसक्राइब पक्का करो, तो जो आप इदा दिया वीडियोज़ होर अपलोड कर सकी, एंड कमेंट पक्का कराया करो, क्योंकि तुम कमेंट करते हो ना, दैन की हुंदा मैं एक मोटिवेशन मिलती है कि यार लोग भी इंट्रस्ट लै रहे हैं, एंड मेरा भी दिल करता कि हाँ मैं मतलब होर वीडियोज़ बनावा। कमेंट लाइक जरूर कराया करो, क्योंकि यूट्यूब का अलगोरिथम सिस्टम भी इदा का कि वह फिर उन्होंने चीज़ों को पुश करता, वो तो वो लोगों तक वो चीज़ पहुँचा। सो डू कमेंट एंड लाइक, एंड मिलते हैं किसी होर इस्लामिक हिस्टरी के एपीसोड के, कमेंट पक्का करके जायो, क्योंकि मैं दिलों चाहना कि तुम जो मैं गल्ला कीतियां वो तुहानू किदां दियां लग रही हैं, कि ते तां नहीं कि अनजाने विच मैं कुछ गलत बोल जाना, सो मैनू करैक्ट जरूर करया करो। मिलते हैं किसी होर वीडियो, सत श्री अकाल।